मुझे लगता है पोहा ही एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह पे अपने अपने तरीके से बनाया जाता है। और सच्ची बताऊँ मुझे भी नहीं पता कि आखिर पोहा है कहाँ से, पर मैंने महाराष्ट्र में, एमपी में, यूपी में तीनों ही जगह पोहा खाया है और मुझे तीनों ही जगह का अच्छा लगा है। खैर जो भी हो, आज लेकिन मैं आप लोग को बताता हूँ कि आखिर मैं कैसे पोहा बनाता हूँ। अब आप लोग पूछोगे कि आप कौन सा स्टाइल बना रहे हो, तो मैं बना रहा हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल। तो देखो सबसे पहले तो ले लिया प्याज, मुझे लगता है शायद प्याज हर जगह जाता है, बस मैं प्याज को एकदम बारीक काट दे रहा हूँ। कुछ लोग ना प्याज को बारीक नहीं काटते, स्लाइस में काटते हैं। अब देखो मैं तो इसमें टमाटर डाल रहा हूँ। अब बहुत लोग ना टमाटर नहीं डालते, कुछ लोग डालते भी है, मुझे पर्सनली टमाटर पसंद है इसलिए मैं टमाटर डाल रहा हूँ। और हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से लेना, और नींबू आधा, और थोड़ा सा धनिया। धनिया को ना एकदम बारीक काट लिया है। फिर एक कढ़ाई ले लो, उसमें डाल दो थोड़ा सा तेल, लगभग 2 चम्मच, और आधा छोटा चम्मच सरसों के दाने। अब सरसों के दाने के साथ जीरा भी डालते हैं कुछ लोग, लेकिन नहीं डालोगे ना तो भी चल जाएगा। फिर डाल दो करी पत्ता, करी पत्ता लेकिन मैंने बहुत अच्छे से ले लिया है। फिर करी पत्ता को अच्छी तरह से पकाने के बाद जो मूंगफली लिया है अब उसे डाल दो। मूंगफली को ना अच्छी तरह से पका लो, थोड़ा पकने में वक्त लेगा, और हाँ गैस को कम ही रखना। और जब मूंगफली पक जाए तब इसमें डाल दो हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से। अब देखो हरी मिर्च को तो वैसे मैंने बारीक काट के डाल दिया है, लेकिन कुछ लोग ना बस हल्का सा कट लगाते हैं हरी मिर्च पर और ऐसे ही डाल देते हैं। फिर वही बारीक कटा हुआ प्याज डाल दो, प्याज को भी अच्छी तरह से पका लो। प्याज डालने के बाद गैस का फ्लेम थोड़ा तेज़ कर देना और इसे लगातार चलाते रहना। और देखो प्याज को तो इतना ही पका लेना कि प्याज एकदम ब्राउन हो जाए। और प्याज के एकदम अच्छी तरह से पकने के बाद डाल दो टमाटर, टमाटर को भी अब अच्छी तरह से मिला लो। अब देखो जिन लोग पोहा में कभी टमाटर डाल के नहीं खाए ना, वो लोग एक बार डाल के देखना, शायद से अच्छा लग जाए। फिर जब टमाटर अच्छी तरह से पक जाए तब इसमें डाल दो अपने टेस्ट के हिसाब से नमक, और नमक को भी अच्छी तरह से मिला लो। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि पोहा महाराष्ट्र का ही है, लेकिन अगर सच कहूँ तो जो मैंने एमपी में खाया था ना वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र वाला अच्छा ही नहीं लगा था, बहुत अच्छा लगा था, लेकिन एमपी वाला थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा था। वैसे मैंने इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी डालकर हल्दी को भी अच्छी तरह से मिला लिया है, और हल्दी को भी हल्का फुल्का पकाने के बाद अब इसमें डाल दो पोहा। पोहा को मैंने पहले से ही पानी से अच्छी तरह से साफ ऑफ करके रखा था। फिर पोहा डालकर अब पोहा को अच्छी तरह से मिला लो। और हाँ जो अब डालने वाला हो ना वो देख के शायद कुछ लोग को अजीब लगेगा, कुछ लोग को अच्छा भी लगेगा, लेकिन ये रेस्टोरेंट में डाला जाता है इसलिए मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ। बाकी ये पूरी आपकी मर्ज़ी रहेगी कि आपको इसे डालना कि नहीं। तो वो चीज़ है चीनी, और चीनी मैं इसमें डाल दे रहा हूँ 1 छोटा चम्मच। चीनी डालकर चीनी को अच्छी तरह से मिला लो। वैसे अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं भी यही सोचता था कि आखिर इसमें चीनी कौन डालता है, लेकिन हाँ इतना बुरा भी नहीं लगता टेस्ट, और सही बताऊँ तो चीनी का टेस्ट भी नहीं पता चलता। फिर नींबू का रस डाल दो और थोड़ा सा धनिया, इन दोनों को भी अच्छी तरह से मिला लो। अब एक बार गैस का फ्लेम तेज़ करके ना इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, और अच्छी तरह से फिर मिलाने के बाद इसे निकाल लो। फिर इसे प्लेट में निकालने के बाद ऊपर से थोड़ा सा सेव डाल देना अगर आपके पास हो तो, और फिर इसे गरम गरम सर्व कर लो। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेफ़ प्रतीक किचन को सब्सक्राइब।